are watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations. If you're a friend of Jesus, you should be happy. अगर आप मसीह के दोस्त हैं तो आपने मुस्कुराना है, आपने खुश रहना है. Amen. आमीन. If your sins are forgiven, you should be happy. और अगर आपके गुनाह माफ हो चुके हैं तब भी आपने मुस्कुराना है. If the God that created the world has come and lived inside you, then you should be happy. और अगर खुदा का रूह आप में बसता है तब भी आपने मुस्कुराना है. God loves you so much. खुदा आपसे बेपनाह मोहब्बत करता है. But sometimes you can get so busy in life that you don't hear him telling you or see what he wants to do for you. बाज वक्त हम जिंदगी में इतने मसरूफ हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि खुदा हमसे किस कदर मोहब्बत और प्यार करता है. And many times we're always looking for some preacher, some evangelist, somebody to always help us. तो बाज वक्त हम जो है मुबशरों की जानिब या खादिमों की जानिब देखना शुरू कर देते हैं कि वो हमें बताए कि खुदा हमसे किस कदर जो है वो मोहब्बत करता है. But I want to teach you to have faith in God. लेकिन मैं आपको आज ईमान के ताल्लुक से सिखाना चाहता हूं. And also to have faith in God, you must have faith in his word. अगर आप खुदा पर ईमान रखते हैं तो उसके कलाम पर, उसके लफ्जों पर भी ईमान रखें. While Jesus walked this earth, he healed the sick. जब खुदा चलता तो वो बीमारों को शिफा देता था. While Jesus walked this world, he had compassion on people. तो वो जो है बीमारों को शिफा दिया करता था जब भी जहां पर वो जाता था. Jesus knew the will of the Father. खुदा बाप की मर्जी को वो जानता था, यीशु मसीह जो उसका इकलौता बेटा है. And I don't believe that Jesus walked around like this. तो यीशु जो है मुंह बना के नहीं था चलता जब वो लोगों के दरमियान में होता था. I look at some of you and you're like, हम में से बहुत से लोग जो हैं वो मुंह बना के बैठे हुए हैं. Why are you so sad? आप इतने अफसुर्दा क्यों हैं? You get to meet your new brother tonight. आप जो हैं खुदा बाप से मिलने के लिए आ जाए हैं. Because together in Christ we are family. Amen. और हम जो हैं मसीही खानदान का हिस्सा हैं, मसीह में हम सब बहन भाई हैं. You must learn to control the thoughts in your mind. You must learn to control the thoughts in your mind. आपको जो है अपने ज़हनी जो ख्यालात हैं उन्हें काबू में रखना सीखना चाहिए. If you go around thinking sad thoughts, you'll be a sad person. तो अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे, गहरी गहरी सोचों में रहेंगे, तो obvious है कि आप जो है परेशान ही रहेंगे. Why don't you just go around thinking happy thoughts? आप क्यों नहीं अच्छा सोचते और खुश रहते? Like I do. जिस तरह से खुदा के खादिम करते हैं. I'm always happy. मैं हमेशा खुश रहता हूँ. Even when I'm by myself, I'm happy. जब भी मैं अपने मुतालिक भी सोचता हूँ तो मैं खुश रहता हूँ. You know why? इसका वजह मालूम है? Because I'm never by myself. क्योंकि मैं अपने आप पर जो है इंतजार नहीं करता या अपने आप पर जो है तकिया नहीं करता. God is always with me. खुदा हमेशा मेरे साथ है. हालेलुया. If you want to begin to win people in the kingdom to serve Jesus, अगर आप खुदा की बादशाहत के लिए लोगों को जीतना चाहते हैं, they're going to have to see some joy on you. तो आपके चेहरों पे मुस्कुराहट होनी चाहिए. If they see you sad, अगर वो आपको अफसुर्दा देखेंगे, why would they want to serve your God? तो वो कहेंगे किस तरह के खुदा की जो है परस्तिश करते हैं. I mean like, I'm already sad. I don't need your sadness. तो मैं वो कहेंगे तो पहली परेशानी हमें क्या और परेशान करेंगे. But I've been happy for years. लेकिन मैं आप सबके लिए खुश हूँ. I don't have to have money to be happy. मेरे पास पैसा नहीं होना चाहिए कि मैं खुश हूँ. I don't have to have friends to be happy. मेरे पास दोस्त नहीं होने चाहिए कि मैं खुश हूँ. My sins have been forgiven and I'm not going to hell. मेरे गुनाह माफ हो चुके हैं और मैं अब जो है वो जहन्नुम में नहीं जाऊंगा. Come on, you can do better than that. Woo! Woo! Amen. It's okay to be happy in church. Church में खुश होना अच्छी बात है. We don't want you sitting around here like you're sad. मैं आपको जो है मायूस को नहीं देखना चाहता. मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ. सब मुस्कुराएं. I come to church to be happy.
मैं चर्च इसलिए आता हूँ कि मैं खुश हूँ. I come to church to meet all my new friends. मैं अपने नए दोस्तों को मिलने के लिए चर्च में आता हूँ. I flew thousands of miles to come here to see you. मैं बहुत लंबा तवील सफर तय करके आप सबको मिलने के लिए आया हूँ. And I didn't come here to see you like. और मैं आप सबको अफसुर्दा नहीं देखना चाहता. Make the face. खुश रहते हैं और हमें भी यही तालीम दे रहे हैं कि हम खुश रहें, क्योंकि खुदावन के कलाम में पौलुस रसूल ने भी इसी तरह से कहा है, खुश रहो. फिर कहता हूँ खुश रहो. Listen to me. अब मेरी बात सुने आप. If you put the words of the Bible in your mind and in your heart, you can become happy. अगर आप कलाम मुकद्दस के लफ्ज़ों को या कलाम मुकद्दस में जो कुछ तालीम पाई जाती है अपने ज़हन में रखेंगे तो आप खुश रह सकते हैं. When you learn the promises of God, you begin to know His personality. जब आप खुदा के वादों के मुतालिक सीखते हैं तो आप जानते हैं कि हकीकत में खुदा है कौन. He's not a God that wants to shoot lightning bolts at you and hurt you. खुदा ऐसा नहीं चाहता कि आपको नुकसान पहुंचाए या आपको कोई तकलीफ पहुंचाए. He let his son die for you so that you don't have to die for your sins. उसने अपने इकलौते बेटे को बख्शा है और उसने मौत सलीब और कब्र पर फतह पाई है ताकि आपको आपके गुनाहों से रिहाई और मखलसी बख्शे. Now I don't have to die for my sins. अब हमें जो है खुद अपने लिए मरने की जरूरत नहीं है. The price has already been paid. कीमत जो है already दे चुकी है. Jesus paid the price for sin. Jesus paid the price for sickness. खुदा के बेटे यीशु ने जो है बीमारी के लिए और गुनाह दोनों के लिए जो है कीमत अदा कर दी है. हालेलुया, हम कीमत से खरीदे हुए हैं. I want to tell you tonight. आज रात मैं आपको बताना चाहता हूँ. That our Lord and Savior. They crucified him on the tree. हमारे जो खुदावन यीशु मसीह है उसने मौत सलीब और कब्र पर जो है वो फतह पाई है और मेरे और आपके गुनाहों के लिए जो है उसने मौत और सलीब को कबूल फरमाया है. Then they placed him in a tomb and put a big rock in front of it. उन्होंने जो है जो सारा सिनेरियो था अपना जब यीशु मसीह को सलीब पर दिया गया उसके मुताबिक बता रहे हैं. But you can't keep a good man down. लेकिन अच्छे शख्स को आप गिरा नहीं सकते. They put a big rock in front of it. उन्होंने एक बड़ा पत्थर बनाया. They killed him. उन्होंने उसको मारा. But Jesus is so powerful. हालेलुया, लेकिन खुदावंद में इतनी कुवत पाई जाती है. He got back up. और उसने मौत सलीब और कब्र पर फतह पाई है. Now. अब The stone wasn't rolled away so that he could get out. जो पत्थर था जो कब्र के सामने रखा गया था वो साइज में काफी बड़ा था और वजन में भी काफी था, लेकिन खुदावन में जो है कुवत पाई जाती है और वो पत्थर भी उसको ना रोक सका. The stone was rolled away so that we could see inside that he wasn't there. तो जब उन्होंने पत्थर हटाकर अंदर देखा तो यीशु मसीह जो है ऑलरेडी जो है फतह पा चुके थे. Amen. I have been to Israel about 6 times. मैं 6 मर्तबा इसराइल गया हूँ. And I go to the tomb. And I go to the tomb. Okay. Where the Jesus was there? In Israel, I've been there yeah. 6 times. Okay. And I go to the tomb where they buried Jesus. Oh yes. जहाँ पर यीशु मसीह को जो है सलीब के बाद रखा गया था उनकी डेड बॉडी को वहाँ पर भी ये गए हैं यरूशलेम में यहाँ पर इसराइल में. And I look in. और मैंने अंदर भी देखा है. वाओ, इट्स एम्प्टी. और वो खाली है, उसकी कब्र खाली है. हालेलुया, बादशाहों के बादशाह की कब्र खाली है. हालेलुया, हालेलुया. नो अदर रिलीजन हैज अ गॉड दैट पेड द प्राइस फॉर हिज पीपल्स सिन. किसी और मजहब के खुदा ने अपने लोगों के लिए कीमत नहीं अदा की है, ये मेरे और आपके यीशु ने की है. Every other religion. Amen. Amen. Hallelujah. So hum keemti hain. Every other religion tells the people you have to do a work to pay for your sin. दूसरे जो हैं मज़ाहिब में उनको कीमत अदा करनी पड़ती है, उनको बताना गया है कि आपने कीमत अदा करनी है अपने गुनाहों की मुआफी के लिए. But God said, here's a gift. लेकिन खुदा ने तो आपको तोहफे के तौर पर दे दिया है. And God wants to give all of you tonight. और खुदा आज रात आप सबको शिफा देना चाहता है क्योंकि वो शाफी है. हालेलुया,
He wants to give you a gift. वो आपको तोहफे के तौर पर देना चाहता है, मुफ्त देना चाहता है. He wants to give you a smile. वो आपको मुस्कुराहट देना चाहता है. हालेलुया. That's you too. And you and you and you. How about you? Smile. Smile, please. You need to be happy. Yes. आप सबको खुश रहना है क्योंकि मेरे और आपके खुदा ने हमें कीमत से खरीदा है. हम कीमती हैं. Don't feel sorry for yourself. अपने आप को अफसरदा ना बनाया करें. Don't be thinking negative all the time. अपने लिए बुरा भला ना सोचा करें. Begin to apply the word of God so that you can see miracles every day. Hallelujah, hallelujah. खुदावन के कलाम को हर रोज अपनी जिंदगी में, अपने जहनों में, अपनी रोजमर्रा की रूटीन में जो है पढ़ा करें, ताकि आपकी जिंदगी में खुशी आए, जॉय आए और आप हैप्पीनेस से भर जाएं. Listen to me. अब मेरी सुने. Everybody thinks. हर कोई सोचता है. Because I'm from America. क्योंकि मैं अमेरिका से आया हूँ. That I have money. कि मेरे पास बहुत पैसा है. But I grew up in a very poor town. लेकिन मैं बहुत गरीब जो है इलाका में बड़ा हुआ हूँ. I didn't finish school. लेकिन मैंने अपना स्कूल भी जो है तालीम अपनी कंप्लीट नहीं की. I had no education. मेरे पास कोई तालीम नहीं. I had been abused sexually and physically. जो है इनको हिरासा भी किया गया है जिस्मानी तौर पर. I had a stepfather that beat me with wood. मेरा जो सुतेला बाप था वो मुझे लकड़ी के साथ मारा करता था. I used to be very sad. और मेरी जिंदगी में बड़ा दुख था. And I didn't have a smile. और मेरे चेहरे पे कोई मुस्कुराहट ना थी. My life was so bad. मेरी जिंदगी इंतहाई खराब थी. That I started doing drugs. और क्योंकि मैं नशा भी किया करता था. I became a drug addict. तो मैं नशा करने का आदी हो गया था. Then I became a drug dealer. और उसके साथ साथ मैं नशा बेचा भी करता था. I was trying to make myself happy with drugs. तो मैं जो है नशा करके अपने आप को खुशी दिया करता था. But it didn't work. लेकिन वो ज्यादा देर तक काम नहीं करता था. As I did the drugs, it only allowed demons to come inside my soul. तो जब मैं नशा लिया करता था तो जो बदरू हैं वो मेरे अंदर आ जाया करती थी. And then my mother was praying for me. और मेरी माँ जो है वो दुआ किया करती थी मेरे लिए. She was a Christian, I was a drug dealer. वो जो है एक ईमानदार खातून थी और मैं जो है नशा बेचा करता था. She said, God, उसने कहा यीशु, that's my baby. उसने कहा ये मेरा बेटा है. And I gave him to you when he was born. और मैंने तो उसे तुझे दिया था जब ये पैदा हुआ था. And then my mother said, devil. और मेरी माँ ने शैतान से कहा, you let my baby go. मेरे बेटे को छोड़ दे. I'm sure glad my mama knew how to pray. और मेरी माँ दिन रात मेरे लिए दुआ किया करती थी. She had to pray for many years. और काफी साल वो मेरे लिए दुआ करती रही. So mamas, don't quit praying for your children. तो माएं जो हैं अपने बच्चों के लिए दुआ किया करें. You keep praying till you get your answer. तो आप तब तक दुआ करती रहें जब तक आपकी दुआ का आपको जवाब ना मिल जाए. Single women in the room, अकेली खातून कमरे में, just don't go for any man. Just don't take any man. अकेली खातून हो कमरे में और उसमें किसी मर्द को ना ले. You pray for a godly man. तो आप खुदा से दुआ करती रहें. One that'll be the priest, the provider, the protector in your home. तो जब आप खुदा से दुआ करती रहेंगी तो यकीन एतबार से खुदावन जो है आपकी दुआओं का जवाब देगा. हालेलुया. I came to a place where I was going to kill myself. और एक वक्त ऐसा आ गया था कि जब मैंने अपने आप को मारने का सोच लिया था. I had thousands and thousands of dollars of drugs in my soul. Wow. इनके पास काफी ज्यादा नशा जो है वो इकट्ठा कर लिया था इन्होंने. काफी ज्यादा तादाद में पैसे भी उसके काफी थे. But God would not let me die. और लेकिन खुदा ने जो है इनको मरने नहीं दिया. You know why? इसकी वजह मालूम है. Because he wanted me here tonight. क्योंकि वो आज मुझे आपके दरमियान में भेजना चाहता था. He wanted me here tonight to tell you how important that you are. मैं आज रात आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी अहमियत क्या है. He wanted me to tell you how wonderful you are. और आप कितने अच्छे हैं खुदा की नजर में. खुदा आपको कितना कीमती जानता है. Every single one of you are created in God's image. हालेलुया. हम हर एक को उसने अपनी शबी पर बनाया है. उसने खुद हमें तखलीक और क्रिएट किया है. So you know what that means? इसका मतलब मालूम है. It means you're good looking. आप सब इंतहाई खूबसूरत हैं. Oh, come on. आप सब खूबसूरत हैं. You must not have heard me. I said you're beautiful. उन्होंने कहा आप खूबसूरत हैं. आप सब मुस्कुराएं, खुश हो. I said you're attractive. Say it, say it.
आप सब बहुत ज्यादा अच्छे लुक सकते हैं. God doesn't make junk. खुदावन ने जो आपको अच्छा बनाया है. God doesn't make bad people. खुदा ने कोई बुरे लोग नहीं बनाए बल्कि अच्छे लोग बनाए. Oh, come on, don't hate me because I'm gorgeous. मैं खूबसूरत हूँ इसलिए मुझे मारना नहीं प्लीज. You know that God loves you and he's excited about you. खुदा आपसे प्यार करता है और उसने आपके लिए फैसला किया है. If you came in here sad tonight, और अगर आज आप यहाँ पर मायूस हैं, you should be skipping home on the way and say, "Woohoo, I'm happy now." और अब जब आप घर जाएं तो जंप करके खुशी से कहें कि मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ. Yes, yes, I do. I said them. Come on, come on. खुशी रहने के ताल्लुक से बस सीखना है आज आपने. Whoever controls your emotions controls you. कह रहे हैं कि जो आपके जज्बात हैं वो आप पर काबू पा जाते हैं, लेकिन अगर जब आपके जज्बात में आप खुश होंगे, अंदर से खुश होंगे, तो obviously सारा जो माहौल है आपको खुश ही लगेगा. I made a decision to be in charge of my emotions. मैंने जो है अपने जज्बात पर काबू पाना सीख लिया है. When people do me wrong, I say I forgive you. जब लोग मेरे साथ गलत भी करते तो मैंने माफ फरमा देता हूँ. If people try to say bad things to me, और जब लोग मेरे बारे में बुरा भला कहते हैं, I'm like, talk to the hand. Oh. Like, be quiet. तो ये जो है ना उनको कोई जो जवाब नहीं देते बल्कि उनको खामोशी से जो है ना इग्नोर कर देते हैं. I love myself too much to let people abuse me. मैं अपने आप से बहुत मोहब्बत करता हूँ बेशक लोग मुझे जो है बुरा भला भी कहें. If you want to treat me bad, अगर आप मुझसे बुरा सलूक करना चाहते हैं, you can't be my friend. और आप मेरे दोस्त बन सकते हैं. I love myself too much. मैं अपने आप से बहुत मोहब्बत करता हूँ. I will not allow you to talk bad to me. मैं आपको इस बात की इजाजत नहीं दूंगा कि आप मेरे बारे में बुरा भला कहें. And you shouldn't let nobody talk bad to you. और आप भी किसी को इजाजत ना दें कि आपके लिए बुरा भला कहे. If people want to say negative things about you, और अगर लोग चाहते हैं कि आपके लिए बुरा भला कहें, forgive them. उनको माफ फरमाएं. And say bye bye. और let them say bye bye. See you later. उनसे कहें कि आपसे बाद में मिलते हैं. इस तरह से अच्छा है. See you later. आपको बाद में मिलते हैं. How do you say it? I said, बाद में मिलते हैं. See you later. Okay. But when people tell you you're no good and you're bad and you'll never have success, it controls your life. बिल्कुल हकीकत बात कर रहे हैं कि जब लोग आपके बारे में नेगेटिव बोलते हैं और अच्छा नहीं बोलते तो वो आपकी जो इनर स्पिरिट है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं. ऑटोमेटिकली इंसान जो है ना अपने बारे में बुरा भला ही सोचना शुरू कर देता है. The devil speaks through people. ओह, शैतान भी जो है कुछ लोगों के जरिया से जो है बोलता है. And he wants to tell you bad things. तो वो आपको आपके बारे में बुरा बताता है ताकि आप जो है मायूस कुन हो जाएं. So don't hang around people that want to tell you bad things about yourself. तो उन लोगों को बिल्कुल भी लिफ्ट ना कराएं जो आपके बारे में बुरा भला कहते हो, आपको नेगेटिव कहते हो, या आपकी जो है सोचों में जो है ऐसी बात डाल देते हो जिससे आप जो है दुखी हो जाए, परेशान हो जाए और सारी आपकी खुशी जो है ना जाती रहे. See, you gotta love yourself. आपको अपने आप से खुद मोहब्बत करनी है. And the reason you need to love yourself, इसकी वजह क्या है? It's because God created you. Hallelujah, क्योंकि आपको जो है खुदावंद ने तख्लीक और क्रिएट किया है. And everything in the Bible that God created, after he created it, he said, it is good. और जो कुछ खुदावंद ने बनाया है उसने कहा ये अच्छा है. So when God created you, लेकिन जब खुदा ने इंसान को बनाया, he said, it's good. और उसने कहा ये अच्छा है. And then when you became born again, और जब आप नई पैदाइश का तजर्बा हासिल करते हैं, that's a new creation, तो आप नई मखलूक बन जाते हैं. And he said, good. तो आपको वो कहता है ये बहुत अच्छा है. Hallelujah. Hallelujah. Good. Yes. अच्छा है. Good. When you feel good about yourself, you will be healthier. जब आप अपने बारे में अच्छा सोचते हैं, हमारी जो सोचें हैं, हमारी जो जिंदगी है, उस पे काफी असर अंदाज होती हैं. जब आप अच्छा सोचते हैं, तो उसका असर जो है आपकी जिंदगी पर और आपकी खुशी पर भी आता है. Since I have been here in just a few days, जब मैं यहाँ पर था कुछ दिन पहले, people have come up here with this head pain for 20 and 30 years. तो लोग जो हैं कुछ 20 अरसा से बीमार थे, तो वो दुआ के लिए कहते थे. I touched their pain. I said,
get out of here. तो मैं उन पे दुआ करता हूं, उनकी जो दर्द थी जिसमें, मैं उसको कहता यीशु के नाम से बाहर आ जा. Leave in Jesus name. यीशु के नाम से छोड़ दे. You could have done the same thing. You could have done the same thing. तो आप भी जो है ऐसा कर सकते हैं. But you think. और आप क्या सोचते हैं? That only preachers are special. आप सोचते हैं कि सिर्फ खादमीन ही कोई स्पेशल है, खास हैं? We're not special. We just work for the kingdom. हम सिर्फ बादशाहत के लिए काम करते हैं. There is no second class people. We're all the same. Hallelujah. हम जो है सब एक ही हैं, मसीह के बेटे और बेटियां हैं, और उसने हमारा फिदिया और कफारा दिया है. हमें कोई फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास नहीं है. हालेलुया, यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे. You got to know who you are in Christ. अब आपको पता है कि आप मसीह में कौन हैं? You are the righteousness of God in Christ Jesus. आप मसीह में उसके बेटे और बेटियां हैं. If you're born again, all your sins have been taken away. और अगर आपने नई पैदाइश का तजुर्बा हासिल किया, आपके तमाम तर गुनाहों से आपको मखलसी और रिहाई मिल चुकी है. And you have benefits. और आपके पास जो है अब बेनिफिट्स हैं. Things that rightfully belong to you. और चीजें जो है अब आपसे ताल्लुक रखती हैं. Remember, I told you I had no education. I quit school. आपको मैंने बताया है कि मैं स्कूल भी अपना नहीं कंप्लीट कर सका था और मेरे पास कोई तालीम नहीं है. Once I got born again. लेकिन जब मैंने नई पैदाइश का तजुर्बा हासिल किया. I went back to school. तो मैं दोबारा स्कूल नहीं गया. I was no longer a drug addict. और ना ही मैं जो है नशा करता रहा. No longer a drug dealer. ना मैं नशा बेचता रहा. Now I am a doctor. और अब मैं डॉक्टर हूँ. I got my doctor degree. And I'm still studying online college while I travel the world. और मैं जो हूँ online study करता हूँ colleges में जब मैं travel करता हूँ, सफर के दौरान पढ़ते हैं. And the devil said, "You'll never be anybody." और शैतान तो मुझसे कहता था तू कुछ नहीं बन सकता. The devil said, "Nobody will ever love you." और वो मुझसे कहता था तुझसे कभी कोई ना मोहब्बत करेगा. He said, "Nobody would ever marry you." और तुझसे कोई शादी भी नहीं करेगा. The devil said, "Nobody would. I'll never have children." और उस कहता था कभी तेरी औलाद ना होगी. I would be a failure. और तुम जो हो फेलियर रहोगे, नुकसान में रहोगे. But I applied the principles of the Bible. हालेलुया, लेकिन मैंने बाइबल की तालीम को अपनी जिंदगी में लिया. My mind became clear. और मेरा ज़हन जो है वाज़िया साफ हो गया. I have a beautiful wife. मेरे पास एक खूबसूरत बीवी है. We've been married over 30 years. मैं 30 साल से शादीशुदा हूँ. I have 4 children. मेरे पास 4 बच्चे हैं. I have 13 grandchildren. मेरे पास 13 पोते और पोतियां हैं. Man, I got a big family. और मेरी फैमिली बहुत बड़ी है. I got a happy family. और मेरी एक अच्छी फैमिली है, happy family है. Because not only did God give me a family, God provides for me to bless them good. खुदा ने ना सिर्फ मुझे खानदान दिया है, लेकिन खुदा मेरे लिए मुहैया भी करता है कि मैं इनको अच्छे से लेके चल सकूं. Not because of where I live, but because I apply the principles of the Bible. क्योंकि मैंने खुदा की तालीम को और कलामे मुकद्दस को अपनी जिंदगी में ले लिया है जो कुछ इसमें लिखा है. Did any, come on, give him praise. You're speaking good, sister. Did anybody go to the meeting? Was it last night? Yes, last night. Did anybody go to the big meeting? Raise your hand. आप लोग गए थे संडे वाले दिन जो बढ़ाई नंबर कोरंगी में, से कितने लोग थे वहाँ पर मौजूद? Most of them. Wasn't that big? और कितनी बड़ी इबादत थी? That was big. A lot of people. वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग मौजूद थे. God looked down. और खुदा ने नीचे देखा. From heaven to earth. आसमान से ज़मीन पर. So a high school dropout. High school dropout. I dropped out of high school. से निकाल दिया गया था. He saw a boy that was on drugs. और वो बच्चा जो नशा किया करता था. That had been beat and abused. जिसको मारा जाता था, सताया जाता था, रद्द किया जाता था. The devil told me I was nothing. और शैतान मुझे कहता था तू कुछ भी नहीं है. And God says I'm going to put my blood on him. और खुदा ने मुझ पर अपने लहू को भेजा. Forgive all sins. और मेरी तमाम गुनाह मुआफ फरमा दिए. I'm going to raise him up. और मुझे ऊपर उठा लिया. And I'm sending to Pakistan. और उसने मुझे पाकिस्तान में भेजा है. And thousands are going to get saved.
और हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं यीशु को कबूल फरमा रहे हैं, ना सिर्फ कबूल फरमा रहे बल्कि शाफी को भी ले रहे हैं और शिफा को पा रहे हैं। हालेलुया। And so many people were healed. और काफी लोगों ने जो है शिफा को भी पाया है। All you gotta do. और जो कुछ आपने करना है वो ये। Is quit thinking bad about yourself. और आपने बाइबल मुकद्दस को लेना है। And say God won't want to use me. खुदा तो मुझे इस्तेमाल कर। And say if God can use that guy, God can use anybody. अगर खुदा मुझ जैसे शख्स को इस्तेमाल कर सकता है, तो वो किसी को भी कर सकता है। हालेलुया। खुदावंद आप सबसे बे इंतहा मोहब्बत करता है और हम सबसे प्यार करता है। ये उसकी मोहब्बत है और जब उसका रूह हम में आ जाता है तो मोहब्बत के जो उसका प्यार है वो हम में झलकना शुरू हो जाता है। हालेलुया। और वो हिकमत वालों की हिकमत को नेस तो नबूद करता और कमज़ोरों को अपना जोर बख्शता है। हालेलुया। हालेलुया। कह रहे हैं कि मुझ में रूह कुदुस का मसा मैं महसूस कर सकता हूँ। You know why I feel the Holy Ghost? आप जानते हैं कि मैं क्यों महसूस कर सकता हूँ? Because I'm the temple of the Holy Ghost. क्योंकि मैं मसीह का मकदस हूँ। हालेलुया। Everyone is. He lives inside me. हालेलुया, हालेलुया। वो मुझ में रहता है, उसका रूह हम में बसा हुआ है। Jesus told his disciples. और यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, I must return to the Father. मुझे बाप के पास वापस जाना जरूर है। They said, please don't go, don't go. तो शागिर्दों ने उससे कहा, तू मत जा। We love you and we need you. और हम तुझसे मोहब्बत करते हैं और हमें तेरी जरूरत है। And Jesus said, it's for your benefit that I go. और खुदा ने कहा, ये तुम्हारे लिए अच्छा है कि मैं बाप के पास वापस जाऊं। Because if I go, और अगर मैं जाता हूँ, I'll send the Holy Spirit. मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार दिए जाता हूँ। हालेलुया। किसी जीसस, when he was in his human form, जब यीशु इंसानी जिस्म में थे, he could only be in Israel. तो वो सिर्फ इज़राइल की हद तक थे, महदूद थे, इज़राइल में थे। But when he sends the Holy Spirit, लेकिन जब उसने अपना रूह कुदुस भेजा है, he's everywhere. तो वो हर एक में और हर जगह और हमारे साथ बल्कि हमारे अंदर मौजूद है। खुदावन के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। And the Holy Spirit और रूहुल कुदुस is not prejudiced. और रूहुल कुदुस जो एक पर दूसरे को बर्तरी नहीं देता बल्कि हर किसी के साथ इक्वल है उसका सलूक। He doesn't say, I'll go in him because he's got white skin. तो वो ये नहीं कहता, ये तो बड़ा गोरा है, मैं तो इसी में जाऊंगा भाई। I won't go in her because her skin's a little darker. और मैं इसमें नहीं जाऊंगा भाई, ये तो सांवले रंग की है। He's not a respecter of people. वो लोगों को उनके रंग और नस्ल से जो है इज्जत नहीं देता। हालेलुया। इंसान इंसान को रंग और नस्ल से इज्जत देता है, लेकिन खुदा का रूह जो है हम सब में बसा हुआ है। He's the creator of all people. वो हम सब से मोहब्बत करता है और उसने कहा, मैं अपने रूह में से आखिरी दिनों में हर किसी पर उंडेलूंगा। In the book of Acts it says, out of one blood God created all mankind. उसने कहा कि उसने हर किसी को तख्लीक और क्रिएट किया है, खरूज की किताब में गालबन। So even though we might look a little different, we're still family. हम एक दूसरे से शक्ल से तो मुख्तलिफ लिख सकते हैं, लेकिन हम मसीह के खानदान से हैं, मसीह के बेटे और बेटियां हैं और हम सब आपस में बहन भाई हैं। हालेलुया। मसीही खानदान है। हालेलुया। So if you're wondering who I am, और अगर आप सोचते हो कि मैं कौन हूँ, हालेलुया, हालेलुया, we are family, we are one family, हम एक खानदान है। And when the Holy Spirit came to live inside us, और जब रूह कुदुस आ जाता है हमें रहने के लिए, Guess what happened? तो सोचे कि क्या होता है? I got the power. और हम सबको ताकत मिल जाती है, सब बोले। Okay, wait a minute. Let's try it again. I'll go 1, 2, 3. English में बोलना है सब। And everybody will sing, I got the power. Yes. Okay, ready? 1, 2, 3. I got the power. Yes, very good. Amen. Hallelujah. It says, when you receive the Holy Spirit,
you receive power. उसने कहा जब रूह कुदूस तुम में उतरेगा तो तुम कुवत को पाओगे. Power to be happy. कुवत इसलिए पाओगे कि खुश रहो. You have supernatural power to smile. Hallelujah. आपके पास मुस्कुराने के लिए खुदा ने पावर दी है. I got the power. कल्चर का फर्क जरूर है, सकाफत का फर्क जरूर हो सकता है, लेकिन मसीह में जो शादमानी है वो हम सब के लिए जिंदगियों के लिए है और वो सदा हमें बसी हुई है. हालेलुया. Listen to me. Religion wants you to be sad. मज़हब जो है वो आपको मायूस कुन बना देता है. But Jesus wants you to be happy. लेकिन यीशु चाहता है कि आप शादमान रहें. The Bible says the joy of the Lord is your strength. Hallelujah. आपने खुश रहना है, कलामे अक्दस में भी ऐसा फरमाया गया है. But since I've made you laugh, जब से मैंने आपको मुस्कुराने के ताल्लुक से बताया है, the entire atmosphere in this Hallelujah, room has changed. Hallelujah. सारा का सारा माहौल जो है वो बदल गया है. The Bible says God sits in the heavens and laughs. Yeah, it says that. What? The Bible says God the Father, yes, sits in the heavens and he laughs. आसमानी जो बाप जो है वो आसमान पर रहता है और हमें देखे मुस्कुराता है. He laughs at his enemies. वो जो है हमसे तो खुश है, लेकिन जो इब्लीस है उस पर वो इसलिए मुस्कुराता है क्योंकि वो अपने हरबे आजमाता फिरता है. So when I'm praying for the sick, और जब मैं बीमारों के लिए दुआ करता, and a demon manifest, और जो शैतान है वो निकल जाता लोगों में से, a lot of people become afraid, और बड़े लोग डर जाते हैं इधर उधर जो पास खड़े होते हैं देख कर. But I look at the devil, लेकिन मैं शैतान की तरफ देखता and I go, और मैं मुस्कुराता, because I know he's defeated, और क्योंकि मैं वो जानता हूँ कि वो शिकस्त कुर्ता है, हारा हुआ है और कुचला हुआ है. Hallelujah. Hallelujah. The devil's defeated. शैतान जो है वो हारा हुआ है. Jesus is champion. यीशु मसीह बादशाह है, बादशाहों का बादशाह, चैंपियन, Lord. और वो खुदावंदों का खुदा है. He can never be defeated. वो कभी हार नहीं सकता. If God is with you, who can be against you? Hallelujah. अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? Hallelujah. Hallelujah. Doesn't it feel good to be happy? आप सबको भी खुशी हो रही है? It's just like, Hallelujah. Ah, you look so different. आप सब बहुत मुख्तलिफ लगने शुरू हो गए. जब से ऐसा शुरू किया सब बदल गया है. It's like somebody turned a light on inside of you. Hallelujah. इस तरह से है कि जैसे किसी ने रोशनी जला दी हो. That's called the joy of the Lord. ये खुदा की शादमानी है आप सब पर. Worship is to the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Khudaman ki tareef ho. To be praised. Khudaman ki tareef ho, wo tareef ke laiq khuda hai. I'm going to give him glory. और मैं उसको सारा इज्जत और जलाल देता हूँ. I'm gonna travel the world and tell a story. और मैं पूरी दुनिया में सफर करना चाहता और बताना चाहता हूँ. Somebody worship him, give him praise. यीशु को सारा इज्जत और जलाल दीजिए. Somebody get excited today. और कुछ लोग आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं. I will praise him. Yes, Hallelujah. I will. मैं खुदावन यीशु के नाम को इज्जत और जलाल दूंगा और उसकी तारीफ करूंगा. बेशक वही तारीफ, तमजीद, सिताइश, हम्द, सना और जय जयकार के लायक खुदा है. What the word did you say? All praises belongs to God. Oh, I thought you said this guy's crazy. You don't pay attention to him. No, no, not at all. Man, I got the Holy Ghost. मेरे पास खुदा का रूह है. I got joy inside here. मेरे अंदर खुदा की तरफ से शादमानी है. हालेलुया. I've got peace inside here. मेरे अंदर इत्मीनान है. I've got righteousness inside here. मेरे अंदर सच्चाई है. सच्चाई खुदा का बेटा जिंदा यीशु मसीह है. I got power inside here. मेरे अंदर ताकत है. And if you're born again, you should too.
और अगर आपने भी नई पैदाइश का तजर्बा हासिल किया है तो ये आपके साथ भी सेम ऐसा ही होना चाहिए. When you wake up in the morning, जब आप सुबह में उठते हो, you should say, "Good morning, Holy Spirit." तो आप बोलें, "Good morning, Holy Spirit." रूहुल कुदूस को जो है गुड मॉर्निंग किया करें. Good morning, Father. खुदा को गुड मॉर्निंग कहा करें. Jesus, what are we going to do today? और यीशु से कहा करें कि यीशु आज हम क्या करने को हैं. I say, Jesus. मैंने कहा यीशु. What devils are we going to cast out today? आज कौन से शैतान होंगे जो मैं लोगों में से निकालूंगा? What bodies are going to get healed today? आज कितने लोग शिफा को पाएंगे? Who's going to get saved today? आज कितने लोग जो हैं वो बच जाएंगे? I'm looking to build the kingdom. मैं खुदावन की बादशाहत के लिए अपने आप को लोगों को तैयार करना चाहता हूं. Because what has happened to me? जो कुछ मेरे साथ हुआ. Feels so good. और मुझे बड़ा अच्छा महसूस होता है. I want somebody else to experience it. मैं चाहता हूं कि जिस तरह खुदा के तजुर्बात मेरी जिंदगी में है वो मैं आप सब की और जितने लोग यहां मौजूद हैं उनकी जिंदगियों में भी खुदा के अजीब और जलाली काम हो और तजुर्बात हो. I want you to be as happy as me. मैं चाहता हूं जिस तरह मेरे अंदर खुदावन की तरफ से शादमानी है वही शादमानी जो है आपकी जिंदगियों में हो और ये इसी तरह से शादमानी है जो एक से दूसरे के अंदर चले जाती है. हालेलुया. 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 What can make me white as snow? Nothing but the blood of Jesus. Hallelujah. खुदावन के लहू की तारीफ कर रहे हैं. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. खुदावन यीशु का लहू जो है मेरे और आपके लिए सब कुछ कर सकता है. उसके लहू का एक कतरा ही हमारे लिए काफी है. If Jesus healed the sick when he was in Israel. जब यीशु इज़राइल में थे तो उसने बीमारों को शिफा दी. And then he died. और जब वो मर गया. And then he was raised from the dead. और उसने मौत सलीब और कब्र पर फतह पाई. So that means he's still healing the sick. इसका ये मतलब है कि वो आज भी बीमारों को शिफा देता है. And he will heal you today. और वो आज आपको भी शिफा देगा. हालेलुया. Do you believe that? You are watching CTN Television of Pakistan. Catch the Nations.